दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि मन बड़ा सा थका हुआ सा है, शरीर बड़ा थका हुआ सा है, कोई भी काम में मन नहीं लगता। काम करना भी जरूरी है पर बेमन से अपन करते हैं, अपने शरीर को एफर्ट में लगाए रहते हैं। सुबह से शाम 9 से 6 जॉब में पड़े हुए हैं या फिर कोई क्लासेस में पड़े हुए हैं, बस कट रही है जिंदगी, लेकिन एक एनर्जी सी फील नहीं हो रही है। शरीर में एनर्जी फील नहीं हो रही है, शरीर पूरा तरह से डल है। तो इस डलनेस को कैसे खत्म किया जाए, उसे खत्म करने के लिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत ध्यान करने वाले हैं। और ये डलनेस किस कारण होती है, इनके किस कितने प्रकार हैं, उसे भी हम ध्यान के दौरान सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे ध्यान के माध्यम से ये डलनेस हमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और हथेलियां घुटनों के ऊपर। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। विशेष रूप से कंधों को ढीला छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ने के बाद भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है कि उन्हें और ढीला छोड़ सकें। थोड़ी बहुत उनमें अगर कसावट है, हमारे अचेतक मन, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से भी कुछ कसावट कंधों में रह सी जाती है, अगर हम उन्हें पूरी तरह से ढीला छोड़ भी दें तो थोड़ी बहुत गुंजाइश सी हो तो भी उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करके कंधों को ढीला छोड़े। किसी तरह का प्रयास करके कंधों को नीचे ना ले जाएं, साधारण रूप से ढीला छोड़े कंधों को। और अपने घुटनों को ढीला करें जितना संभव हो सके, प्रयास करें। थोड़ी बहुत भी कोई कसावट, कोई जड़त्व घुटनों में मौजूद हो तो उसे भी ढीला करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। थकावट दो प्रकार की होती है, पहली शारीरिक थकावट और दूसरी मानसिक थकावट। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शारीरिक थकावट। शारीरिक थकावट पहले प्रकार की, अगर हमने बहुत ज़्यादा कोई परिश्रम किया है, शरीर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है किसी कार्य को पूर्ण करने में, तो उस कारण हमारा शरीर थक सा जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जॉइंट्स में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। जहां जहां शरीर के जिस जिस मांसपेशी में दर्द हो रहा है वहां वहां अपना ध्यान लेके जाएं। हाथों में, पैरों में, गर्दन में, कमर में, कहीं पे भी। किसी भी जगह पे कोई हल्का सा दर्द, उस और अपना ध्यान लेके जाएं। और जैसे जैसे ध्यान ले जाएं उस भाग को ढीला छोड़ें, रिलैक्स रखें।
शरीर को कम से कम हिलने दें, स्थिर रखें। दूसरे प्रकार की शारीरिक थकावट होती है भोजन या पानी की कमी। यदि हम समय पर भोजन ना करें या कम भोजन करें, पानी कम पिए या ऊर्जा से युक्त भोजन का सेवन ना करें, तामसिक राजसिक भोजन कर लें या अत्यधिक भोजन कर लें, तो उस कारण शरीर में डलनेस आ जाती है, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अवरोधित हो जाता है। यदि भोजन कम या पानी कम सेवन से शरीर में थकावट है, तो अपना ध्यान पेट के खाली हिस्से की ओर लेके जाएं। पेट के इर्द गिर्द खाली भाग में अपना ध्यान बनाए रखें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। यदि भोजन के अत्यधिक सेवन या उल्टा सीधा खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, राजसिक तामसिक भोजन की वजह से शरीर में थकावट है, ऊर्जा का अवरोध हो रहा है, ऊर्जा सुलभ रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है, तो पेट की ओर ध्यान लेके जाएं। पेट पूरी तरह से भारी सा है, कसावट सी है। उस स्थिति में सजग भाव महसूस करें, अपने आप को सामान्य महसूस करें। पेट पूरी तरह से भरा है अत्यधिक भोजन के कारण। पूरी तरह से कसावट सी आ रही है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। एक अन्य और प्रकार की शारीरिक थकावट है शरीर में रसायनों का असंतुलन। पेट की अम्लीयता बढ़ गई है, एसिडिटी हो गई है, या क्षारीयता बढ़ गई है, बेसिसिटी आ गई है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, कम है, या हार्मोन्स असंतुलित है, शरीर के रसायन असंतुलित है, उस कारण भी थकावट आती है शारीरिक रूप से। अपना ध्यान शरीर के विभिन्न हिस्सों की ओर लेके जाएं। जहां जहां ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है रासायनिक असंतुलन के कारण, चाहे पेट में जलन सी है, एसिडिटी से है, वहाँ वहाँ अपना ध्यान लेके जाएं। गले के आसपास वाले क्षेत्र में
कमर के आसपास इर्द गिर्द क्षेत्र में, पेट से निचले भाग ज्ञानेंद्रियों की ओर अपना ध्यान लेके जाएं। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। दूसरे प्रकार की थकावट है मानसिक थकावट। दिमाग में भारी भारी विचार, ऐसे विचार जो हमें थका देते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्धित करते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार अगर मस्तिष्क में है, किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण या किसी परिस्थिति के कारण, उन विचारों की ओर अपना ध्यान लेके जाएं। उन विचारों को दृष्टा भाव से देखें, धीरे धीरे वे शांत हो रहे हैं, स्वतः ही शांत हो रहे हैं। सांस पे अपना ध्यान रखें, सांस अंदर बाहर जा रही है। इस स्थिति में तेजी से सांस को अंदर बाहर लेवें, जैसे कपालभाति या इन आउट अंदर बाहर सांस को तेजी से लेना है। इन आउट करते हुए अपने आप तेजी से सांस अंदर बाहर लेवें, आंखें बंद रखते हुए अपने आप करते रहें कुछ देर। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य सांस लेते रहें। अपने शरीर के प्रत्येक कोने में उत्पन्न ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। हथेलियां, घुटने, पंजे, थाइस, पेट, कंधे, कोहनी, सिर, आंखें, हर भाग में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। मन शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, पूर्ण रूप से स्वच्छ, रिफ्रेश हो रहा है शरीर।
और मन करे तो इसी तरह से ध्यान लगाते रहें, शरीर को कम से कम हिलने डुलने दें। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके शरीर में जो थकावट थी मानसिक या शारीरिक, इस ध्यान के बाद दूर हो चुकी होगी। इस ध्यान को आप किसी भी समय लगा सकते हैं, सवेरे, सुबह, दोपहर, खाने के बाद, खाने से पहले। कोशिश करें खाने के पहले लगाएं या फिर खाने के 2 घंटे के बाद इस ध्यान को लगाएं। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये 15 मिनट का ब्रेक आप जब लें, आपको अगर लगे कि थकावट है शरीर में मानसिक या शारीरिक, तो ये वीडियो जरूर सुनें और ये ध्यान जरूर करें। आपकी थकावट छूमंतर हो जाएगी, शरीर पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा, ताकि आप जिस कार्य को कर रहे हो उसे पूर्ण रूप से संपादित करें, उसमें 100% अपना दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।